जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। लेबर लॉ संबंधी ये जो सीरीज चल रही है उसकी आपकी एट्थ वीडियो है, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रेशन यानी प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और इसको लाइक जरूर किया करें, ठीक है। तो व्यवसाय संघ जो है वो एक ऐसा स्थायी अस्थायी समूह होता है जिसमें कर्मकार और नियोजक इनके बीच और कर्मकारों और कर्मकारों के बीच और नियोजक और नियोजकों के बीच संबंध स्थापित रहता है व्यावसायिक संघ के अनुरूप, ठीक है। कर्मकार यानी वर्कर, ठीक है। संबंधों को विनियमित करने के लिए संचालन संबंधी शर्तें और एक दूसरे पर अधिरोपित करता है, यानी संचालन संबंधी जो भी शर्तें हैं और संबंध जो हैं उनको व्यावसायिक संघ नियंत्रित करता है कर्मकारों और नियोजकों के, ठीक है। और इनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है संघ का। अब रजिस्ट्रेशन संबंधी जो मापदंड है धारा 6 के अनुरूप उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या मापदंड है रजिस्ट्रेशन संबंधी? तो पहली बात तो यह है कि कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, ऐसे अधिक हो सकते हैं, जो व्यवसायिक संघों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनके नियमों के अनुरूप। उनके नाम होने चाहिए, ठीक है। नाम के साथ उनके हस्ताक्षर द्वारा आवेदन किया जाना अपेक्षित है। अगला पॉइंट ये है कि इसमें जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता तब तक जो जो नियोजित कर्मकार हैं उनका 10% उसमें इसके रजिस्ट्रेशन में शामिल ना हो, यानी जितने लोग रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो जितनी संख्या है या तो 100 कर्मकार या 10% जो भी इससे कम हो इसके सदस्य अगर नहीं होंगे तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो जो इस व्यवसाय संबंधित हैं उस समूह में ऐसे कम से कम 10% या 100 कर्मकार इससे संबंधित होने चाहिए, तब इसका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा संघों का, ठीक है। अगला ये यूनियन का, या फिर आवेदन की तारीख के पश्चात कुछ सदस्य व्यवसाय संघ अगर छोड़कर चले जाते हैं तो जो रजिस्ट्रीकरण है वो रद्द नहीं होगा, लेकिन वो रद्द इस शर्त पर नहीं होगा कि कम से कम 50% सदस्य तो उसमें रहने चाहिए। अगर इससे कम हो गए तो रजिस्ट्रीकरण है वो रद्द हो सकता है, और ये संघ की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस नंबर को मेंटेन रखे और कोशिश करे कि पूरा 100% ही बरकरार रहे। अगला पॉइंट ये है जो व्यवसाय संघ में है उसमें सदैव सदस्यों की संख्या 10% या 100 कर्मकार इसमें जो भी कम हो हमेशा रहने चाहिए। अगर कम रहते हैं तो संघ की खुद जिम्मेदारी रह जाती है कि उसको मेंटेन करे। ये तो आपके कुछ मापदंड हो गए जिनके अनुरूप शर्तें निर्धारित की जाती है धारा 6 के अंतर्गत। अगला पॉइंट यह है कि धारा 7 जो है उसमें रजिस्ट्रीकरण की कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो उन शर्तों को देख लेते हैं कि रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें क्या हैं। तो व्यवसायिक संघ जो होता है उसके रजिस्ट्रेशन का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसमें इस प्रकार के उपबंध ना हो। कब? कि व्यवसाय संघ का नाम उल्लेखित होना चाहिए, उसके उद्देश्य होने चाहिए जो संगम ज्ञापन के तहत होते हैं, ठीक है। संगम अनुच्छेद के तहत वो चलते हैं, ठीक है। साधारण जो निधियां निधियों की प्राप्तियां या फंड्स हैं और क्या उनकी उपयोगिता है, उसके संदर्भ में पर्पज क्या है उसका उसका विवरण उनके पास पूरा होना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि सदस्यों की सूची होनी चाहिए पूरी पूरी, उनके पद पदाधिकारियों के पद निर्धारित होने चाहिए, सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि ऐसी सभी साधारण प्रवेश यानी जो पहले से व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं है उन्हें प्रवेश देने के लिए पर्याप्त कारण देना होगा जो कि कर्मकार नहीं है पहले से। तो अगर नए प्रवेश होते हैं तो उसके लिए पर्याप्त सूची और पर्याप्त नए कारण उनके पास होने चाहिए। अगला पॉइंट ये है शर्तों में सदस्य या अन्य व्यक्तियों से अभिदाय का संदाय यानी पेमेंट और सब्सक्रिप्शन का विवरण होना चाहिए। अगर किसी नए सदस्य से कोई भी पेमेंट इस प्रकार का लिया जाता है तो उसका विवरण रहना चाहिए। सातवां पॉइंट अपना ये है शर्तों में कि वे सभी शर्तें जिनके अधीन व्यवसाय संघ किसी सदस्य को फायदा दे रहे हैं उनका भी विवरण होना चाहिए। अगर कोई भी सदस्य इन शर्तों के अधीन किसी को फायदा पहुंचा रहा है तो उस फायदे का भी विवरण होना चाहिए कि क्या पर्पज है, क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि व्यवसाय संघ जो है ट्रेड यूनियन जो होता है उसकी वार्षिक बैठकें कब कहां कैसे बुलाई जाएंगी इसकी भी पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नौवां पॉइंट अपना व्यवसायिक संघ की कार्यपालिका के सदस्य जो हैं उनके पदों हेतु प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव किया जाना चाहिए, यानी जितने सदस्य उनके विभिन्न जो पद हैं विभिन्न पद हैं उनका
जो चुनाव है प्रत्येक 3 वर्ष के अनुरूप किया जाना चाहिए। 10th पॉइंट है अपना व्यवसायिक संघों की निधियों, व्यवसाय संघ की निधियां जो हैं ठीक है उनकी सुरक्षा वार्षिक संपरीक्षा निरीक्षण संबंधी रीतियां, इनका प्रावधान इनमें पहले से ही वर्णित होना चाहिए। 11th पॉइंट है वह रीति जिसके द्वारा नियत संशोधन फेरबदल या विखंडन किए जाएंगे किसी भी शर्त के ठीक है, या संशोधन किए जाएंगे नियमों के, वो सब नियम इसमें वर्णित होने चाहिए जिसे हम संगम अनुच्छेद भी कह सकते हैं ठीक है। 12th पॉइंट है अपना वह रीति जिसके द्वारा व्यवसाय संघों का विघटन किया जाएगा, यानी उसको किस प्रकार से व्यवसाय जो संघ है उसका विघटन किया जाएगा अगर करने की आवश्यकता पड़ी तो, इस प्रकार की शर्तों का भी वर्णन होना चाहिए ठीक है। अब धारा 8 में ये कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है अगर उसके नाम में परिवर्तन करना हो किसी व्यवसाय संघ में तो उसके लिए आवेदन, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये धारा 8 हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन होगा जिसमें शपथ पत्र द्वारा घोषणा आवश्यक है, नियमों की प्रति होनी चाहिए और संकल्प पत्र उसमें होना चाहिए, कॉपी ऑफ अडॉप्टेड रेजोल्यूशन उसमें होना चाहिए। अगला यह है कि इसमें व्यवसाय संघों का परिसंघ या केंद्रीय संगठन होने की दशा में प्रत्येक सदस्य द्वारा अंगीकृत संकल्प पत्र होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य का संकल्प पत्र इसमें होना चाहिए अगर व्यवसाय संघ परिसंघ या केंद्रीय संगठन है ठीक है। अगला पॉइंट यह है इसमें यदि कोई व्यवसाय संघ 1 वर्ष पहले से अधिक विद्यमान है, 1 वर्ष पहले से विद्यमान है तब तक वह अपना रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ अपने एसेट्स जो हैं वह दायित्वों का विवरण देना होगा। यानी कोई भी व्यवसाय संघ ऐसा है जो 1 वर्ष पहले से या अधिक समय से विद्यमान है तो अपने रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ साथ अपने जो एसेट्स हैं उसके और उसके दायित्वों का उसको विवरण देना होगा। तीसरा पॉइंट ये यदि सब कुछ संविदा के उपबंधों के अधीन पाए जाने पर रजिस्ट्रार आवेदन स्वीकार और ना पाए जाने पर बदलाव के लिए बोल सकता है, यदि सभी उपबंध सही पाए जाते हैं तो रजिस्ट्रार इस आवेदन को स्वीकार कर सकता है वरना बदलाव के लिए भी बोल सकता है। 4th पॉइंट अपना ये है यदि व्यवसाय संघ का नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है तब रजिस्ट्रार उसे बदलने को बोल सकता है और ऐसे अन्य की ऐसा नहीं करने पर रजिस्टर करने के लिए इनकार भी कर सकता है। यदि नाम पहले से किसी अन्य व्यवसाय संघ का है तो मिलता जुलता भी है तो उसको मना कर सकता है ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण और रद्द किया जाना धारा 9 के अनुसार, यानी कब इसका रजिस्ट्रीकरण जो है उसको रद्द किया जा सकता है ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि रजिस्ट्रार के द्वारा अगर व्यवसाय संघों ने अपनी सभी उपबंधों के अधीन आवेदन किया है तो उसे रजिस्टर कर लिया जाएगा ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब रजिस्ट्रार व्यवसाय संघों को साक्ष्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र देगा तो जो रजिस्ट्रीकृत होने का साक्ष्य उसके पास मिल जाएगा ठीक है, प्रमाण पत्र उसके पास रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य रहता है। और जो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है, यानी पहले जो व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण है अधिनियम 1926 के अधीन, उसके अधीन अगर पहले से रजिस्ट्रीकरण उसका करवा रखा है तो उसे पुनः रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसे इस हेतु सूचना देना आवश्यक हो जाता है। अब 4th पॉइंट है किसको रद्द किस प्रकार से किया जा सकता है, तो रजिस्ट्रीकरण की रीति के अधीन ना होने पर इसे रद्द किया जा सकता है। उपबंधों के अगर उल्लंघन किया जाता है और उल्लंघन की सूचना होने पर इसे रद्द किया जा सकता है। सदस्यों की संख्या 10% या 100 कर्मकारों से कम हो जाती है, यानी सम्मिलित सदस्य की 10% या 100 से कम हो जाती है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तब भी ये रद्द हो सकता है रजिस्ट्रीकरण ठीक है। यानी रजिस्ट्रीकरण रद्द की सूचना के साथ ही 60 दिन का समय दिया जाएगा, अगर उन खामियां जो है उनको कमियों को अगर दूर कर लिया जाता है तो रजिस्ट्रार इस पे अपना दोबारा से पुनर्विचार कर सकता है अपने आदेश पर, वरना उसको रजिस्ट्रीकरण को रद्द माना जाएगा सूचना के तहत ठीक है। अगला पॉइंट ये है अधिकरण के आदेश पर भी रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने का आदेश दिया जाता है अगर, तो तब भी रद्द किया जा सकता है ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक यू।